Today we will learn about that how can we memorize things for a longer time. जिसका मतलब है कि हम किस तरह से चीज़ों को जल्दी याद करें और इस तरह से याद करें कि वो देर तक हमारी मेमोरी में रहें. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. किसी भी एज ग्रुप का स्टूडेंट है, वो स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन पीएचडी स्टूडेंट, ये सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जब भी जो कंटेंट याद कर रहे हैं वो देर तक उनकी मेमोरी में रहे. इवन के पेरेंट्स जिन्होंने घर में अपने बच्चों को टीच करना होता है, वो भी इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों को जल्दी लेसन याद कराने के लिए. और जो टीचर्स हैं वो भी इन स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को बेहतर गाइड कर सकें. सो आई वुड रिकमेंड दैट ऑल स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. एट नंबर वन, आई हैव अ वेरी हेल्पफुल स्ट्रेटजी विच इज़ डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स. जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको समझते हैं, याद कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एज मेट्स के साथ ज़रूर डिस्कस करें. आप उनको समझाएं, अगर वो आपके क्लास फेलो हैं और आपका सेम कंटेंट था तो बेहतर ये होगा कि आप उनको समझाएं और वो आपको समझाएं, ताकि जिसके भी माइंड में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए. रिमेंबर कि जितना इंसान टीचिंग से सीखता है उतना वो स्टूडेंट लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं सीख रहा होता. तो अगर हम ये थोड़ी सी प्रैक्टिस अपने स्टूडेंट लाइफ में ही बना लें कि हम जो पढ़ रहे हैं कोशिश करें कि हमारे जिस क्लास फेलो को बात समझ नहीं आई हुई उसको समझा दें, तो उससे ये नहीं होगा कि सिर्फ उसका नॉलेज बढ़ेगा, उससे आपका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल बताऊं तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मेरे ऐसे थे जो कि कॉलेज लेवल तक क्लियर ना हुए, एफएससी में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आती थी, और वो कॉन्सेप्ट्स मेरे जाके मास्टर्स लेवल, इवन के कुछ कॉन्सेप्ट्स तो पीएचडी लेवल पे जाके क्लियर हुए. तो इसमें कोई एम्बैरेसमेंट वाली बात नहीं है. कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी इंसान हो, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि वो पहली दफ़ा चीज़ को रीड कराए और उसने सारा नॉलेज एट फर्स्ट अटैम्प्ट ग्रैस्प कर लिया. चीज़ें वक्त के साथ साथ क्लियर होती हैं और ज़्यादा तब क्लियर होती हैं जब आप उनको डिस्कस करते हैं. ऑन नंबर टू, आई हैव अ स्ट्रेटजी ऑफ राइट इट डाउन व्हेन यू आर डन विद लर्निंग योर लेसन. यानी कि जब आपने याद कर लिया आप उसे लिख के ज़रूर देखें. स्पेशली मैथमेटिक्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, स्टैट्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, जो भी कैलकुलेशंस वाली चीज़ें हैं, यू कैन नेवर लर्न देम जस्ट बाय रीडिंग. आपको उनकी रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इवन के बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और इवन इंग्लिश के अगर आप सिंपल टेंसेस भी याद कर रहे हैं तो उसमें भी राइटिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ एक दफ़ा आप लिखते हैं वो आपके जब कलम से गुजरती है तो वो आपके माइंड में ज़्यादा एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ के जाती है, इंस्टेड ऑफ़ कि आपने जस्ट उस टॉपिक को रीड कर लिया था. ये राइटिंग वाली स्ट्रेटजी तो इवन के बहुत हमारे पेरेंट्स ने भी हमेशा इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दिया कि भाई लिखें, क्योंकि आज से 10 साल पहले, इवन के 15 कह लें, उस वक्त ज़्यादा ट्रेंड था ही ऐसे टाइप क्वेश्चंस का था. तो उस वक्त तो लंबे लंबे सवालों के जवाब लिखने होते थे. ये तो आज का कॉन्सेप्ट है कि हम ज़्यादा फोकस्ड हैं एमसीक्यूज की तरफ और शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, वरना जो हमारे पहले लोग गुजरे हैं वो राइटिंग पे और हैंड राइटिंग, की आपकी राइटिंग अच्छी भी होनी चाहिए, इस चीज़ पर बहुत तवज्जो देते थे. आज मैं आपको इस चीज़ पर तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, ये अब आपका अपना मैटर है. लेकिन जो भी आपने याद करना है उसको एक दफ़ा लिख के ज़रूर देख लें जितना आपके पास टाइम है. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो सिर्फ उसके पॉइंट्स लिख के देख लें या उसकी हेडिंग्स लिख के देख लें, ये भी आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा. Point number 3 is in particular for science students. So if you are studying science, any science subjects, biology, chemistry, physics, anything, तो आपने क्या करना है कि चीज़ों को रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी, आपने उनको समझने की कोशिश करनी है, अच्छे तरह से उनको समझ के अपना कॉन्सेप्ट बना के फिर याद करना है. अगर आपने साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स का रट्टा लगाया तो ये सिर्फ आपको एक हफ्ते या सिर्फ कह लेंगे सिर्फ पेपर तक याद रहेगा, उसके बाद अगर आपको दोबारा
कोई टेस्ट या किसी और ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा उससे रिलेवेंट, तो आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। इवन के हमेशा साइंटिफिक नहीं, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश होता है तो उनमें भी टेंसेस के अगर हम रट्टे लगा लेते हैं उस वक्त के लिए, बस ये पॉइंट थे, अगर हमने ये पॉइंट्स याद रख लिए तो हमें टेंसेस आ रहे हैं उस वक्त के लिए, उसमें भी आपने उनके कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं कि किस तरह से कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ होगा या किस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे है। अगर इन सब चीज़ों के आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे तो ही चीज़ें आपको देर तक याद रहेंगी। नेक्स्ट इज़ मेकिंग नोट्स ऑफ द टॉपिक यू आर लर्निंग, यानी कि जो भी टॉपिक आप याद कर रहे हैं उसके नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर आपको कॉपी पे नोट्स बनाने की आदत है तो कॉपी पे बना लें, अदरवाइज आई प्रेफर के जो बुक है जहाँ से आप रीड कर रहे हैं उसी पे नोट्स बनाएं, ताकि जब भी आप उस बुक को रीओपन करें तो आपने जो भी उस वक्त बातें नोट डाउन की थी, जो भी कॉन्सेप्ट अपने नोट डाउन किए थे, वो आपके सामने हो। इसके अलावा आप लोग स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स का फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपके पास कलर चॉइस होती है, आप बहुत जो सबसे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें लग रही होती हैं आप उनके लिए कोई और कलर, लेट से डार्क पिंक रख लेते हैं, जो कम इंपॉर्टेंट होती हैं उनके लिए येलो कलर रख लेते हैं, या जो चीज़ें आपको टीचर ने बताई होती हैं कि आपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है उनके लिए आप कोई और कलर चूज़ कर सकते हैं। इन स्टिकी नोट्स को आप अपने स्टडी रूम के या फिर जिस भी रूम में बैठ के आप स्टडी करते हैं उसकी वॉल्स पे भी स्टिक कर सकते हैं, या आपको डैमेज भी नहीं करते स्टिकी नोट्स आपकी वॉल को या आपके डोर्स को, और इन पे आपने जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो आप लिख के सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन स्टिकी नोट्स को अपने फ्रिज पे भी पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आते जाते जो भी इम्पोर्टेंट बात है उस पर आपकी नज़र पड़ती रहे और वो आपको अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाए। On number 5, I have a strategy of making headings or points. This is very helpful strategy. ये मेरे अपने experience में, मेरे अपने academics में मेरे लिए बहुत helpful रही है। I always learn things using headings or points. क्योंकि जो एक बहुत बड़ा topic है, like essay-like topic है, उसको याद करना किसी भी student के लिए आसान नहीं है। आप उसको याद करने के लिए उसकी हेडिंग्स बना लें। इनफैक्ट साइंटिफिक अगर आप लर्निंग की तरफ हैं तो उसमें तो आई वुड प्रेफर कि आप वो हेडिंग्स अपने एग्ज़ाम के लिए भी यूज़ करें, हेडिंग्स बनाएं और एग्ज़ाम में भी उन्हीं हेडिंग्स के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। लेकिन अगर कहीं ऐसे है कि उन्होंने कह दिया है कि आपने हेडिंग्स नहीं बनानी और ऐसे फॉर्म में ही अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जैसे कि अगर आपने कोई उर्दू का मजमून लिखना है, कोई इंग्लिश का ऐसे लिखना है, तो उसमें आप उन हेडिंग्स को अपने माइंड में रख सकते हैं, पेपर पे ना लिखें। लेकिन अगर आपको ये हेडिंग्स याद होंगी तो ही आपके लिए वो टॉपिक याद करना इजी होगा, अदरवाइज़ एक बहुत बड़ा सा 3-4 सफ़ों का ऐसे याद करना, दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। आप हेडिंग्स के अलावा पॉइंट्स भी बना सकते हैं, जस्ट लाइक किस चीज़ की आपने मिसालें देनी है, एग्जाम्पल्स देनी है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी ये एग्जाम्पल हैं टेंसेज, सिंपल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अगर इंग्लिश के आप टेंसेस करें उनकी आपने एग्जाम्पल देनी है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की ये एग्जाम्पल्स हैं, तो आप उनको सीधा लिखने के बजाय अगर आप उनके साथ बुलेट्स बना दें 1, 2, 3, तो इससे आपको भी बहुत आसानी होगी। और अगर आप इस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए वहाँ पर भी बहुत हेल्पफुल होगी। On number 6, I have a strategy of using acronyms or keys. Acronyms or keys क्या होती हैं कि जो भी headings आपने किसी topic की याद करनी है उन headings का first word लें और उनसे एक नया word बना लें और सिर्फ उस word को याद रख लें। उस word को याद रखने से आप दोबारा से उन हेडिंग्स को रिकॉल कर सकेंगे और हेडिंग्स को रिकॉल कर लेंगे तो आप फिर पूरा टॉपिक अच्छे से रिकॉल कर सकेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक की बताती होती हूँ, कैम्प्स। कैम्प्स क्या है? साइंस में जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी एक की है कैम्प्स। अब कैम्प्स से क्या क्या बनता है? सी कैल्शियम, ए एल्यूमिनियम, एम मैग्नीशियम, पी पोटेशियम एंड एस सोडियम। इस तरह अगर स्टूडेंट्स सिर्फ एक वर्ड कैम्प्स याद रख लेंगे तो उनको ऑल मेटल्स जो कि कैम्प्स से बन रहे हैं, हर लेटर से बन रहे हैं, वो उनको रिकॉल कर सकेंगे और आगे इन मेटल्स की जो भी डिस्क्रिप्शन होगी उसकी डिटेल वो एक्सप्लेन कर सकेंगे। इसी तरह जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उनकी हेडिंग्स बना के उनकी ऐसे कीज बना लें। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी होगी चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए।
On number 7, I have another good strategy for you people, which is to make up stories of the topic you're learning. जो भी टॉपिक आप याद करें उसकी कुछ स्टोरी बना लें, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, अपनी आपको इमेजिनरी स्टोरी भी बना सकते हैं। उस स्टोरी का फ़ायदा ये होगा कि आपको लर्निंग ईजी हो जाएगी और फिर जब कभी आपको वो टॉपिक बाद में इन फ्यूचर रिवाइज करना होगा तो आप उस स्टोरी को रिकॉल करेंगे कि हाँ ऐसा होता है और आप उस पूरे प्रोसेस को रिकॉल ईजीली कर लेंगे, क्योंकि जिस चीज़ की स्टोरी नहीं होगी वो आपके लिए याद करनी मुश्किल होगी। स्टोरीज़ आर ईजियर टू लर्न एज कम्पेयर टू नॉन स्टोरी स्टफ। नंबर 8, आई हैव एन अदर वेरी गुड स्ट्रेटजी to learn things faster. This is that you should talk yourself about the topic. किस तरह से आपने खुद से उस टॉपिक के बारे में बात करनी है कि आपने जब कोई टॉपिक याद कर लिया है तो आप चलते फिरते उसको रिवाइज कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ मोबाइल, आप उसकी पिक्चर्स या कोई भी चीज़ अपने साथ लेके मार्केट में जा रहे हैं या आप कहीं और गए हैं तो आपको लग रहा है कि बाकी घर वाले शॉपिंग कर रहे हैं तो मैं उसको देखूँगी उसमें क्या था। उसके अलावा आप मिरर के सामने खड़े होकर ख़ुद को समझा सकते हैं कि इस टॉपिक में ये चीज़ें थीं और इसको इस तरह से लर्न करना है, ये इसकी हेडिंग्स हैं, ये इसके पॉइंट्स हैं और ये इसकी स्टोरी है। अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो टॉपिक ज़्यादा देर तक याद रहेगा एज़ कम्पेयर टू द अदर टॉपिक्स। इसके अलावा आप बॉडी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। आप टॉपिक को याद करते हुए अपने को सिंबल्स बना सकते हैं कि अपने हैंड से सर्कल कि सर्कल है, ये हो रहा है, इसके अंदर रे जा रही है। खुद से अपने गेस्चर से भी उस टॉपिक को खुद को समझा सकते हैं। ये एक बहुत ही हेल्पफुल स्ट्रेटजी होगी और ये स्ट्रेटजी भी आप स्कूल लेवल पे भी बहुत अच्छी है, कॉलेज लेवल पे और इवन के एट हायर लेवल्स। बहुत बड़े लेवल पे इतना सूट नहीं करेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, इतना डिसेंट नहीं लगता कि वो ऐसे खुद को एनिमेट कर करके देख रहे हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज लेवल पे तो दिस स्ट्रेटजी इज़ वेरी मच इफेक्टिव। देन ऑन नंबर 9 इज रिवाइज एंड री रिवाइज। रिविजन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टू कीप थिंग्स मेमोराइज इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्गर टाइम। रिवीजन, आप कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, रिवीजन के बगैर आपको उस सब्जेक्ट में या उसके कंटेंट में जो आपने याद किया वो पुख्तगी आ ही नहीं सकती। अगर आपने आज कोई चैप्टर याद किया है और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक साल बाद तक वो आपको चैप्टर ऐसा ही याद रहेगा तो ऐसा नामुमकिन है। इवन के जो बहुत जीनियस लोग हैं उनके लिए भी ये तकरीबन नामुमकिन ही है। रिवीजन एक लाजमी चीज़ है। आई प्रेफर माई स्टूडेंट्स के आप अपने टॉपिक को बेशक एक दिन में थोड़ा पढ़ें लेकिन उसको नेक्स्ट टाइम रिवाइज ज़रूर करें। ना कि ये कि आपने एक ही दिन उसको 5 आवर्स दे दिए, नहीं, आप एक दिन उसको एक घंटा दें, एक हफ्ते बाद उसको मज़ीद एक घंटा दे दें, एक हफ्ते बाद मज़ीद एक घंटा दे दें, फिर एक महीने बाद उसको रिवाइज करें। तो अगर आप उन 5 आवर्स को डिफरेंट टाइमिंग्स में, मतलब बड़े इंटरवल्स के टाइमिंग्स में डिवाइड कर लेंगे तो आपको अपना कंटेंट ज़्यादा अच्छा याद होगा। एंड फाइनली ऑन नंबर 10, आई हैव अ सजेशन दैट यू शुड स्विच योर अटेंशन। किस तरह से आप अपनी अटेंशन स्विच कर सकते हैं? एक ही टॉपिक को अगर आप बहुत देर तक पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड उससे बोर हो जाएगा और एट द एंड वो उस टॉपिक को पिक करना छोड़ देगा। तो जब आप कुछ देर पढ़ लें तो आप अपनी अटेंशन ज़रूर स्विच करें। अगर आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में, अगर आपको एनिमल्स में, किसी भी ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट है या जो आपकी कोई हॉबी है, किसी आप डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, आप उनकी तरफ स्विच कर सकते हैं कि आप आधे घंटे के लिए उनको पढ़ लें, या अगर आधे घंटे के लिए आप आउटडोर एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, कोई और गेम करना चाह रहे हैं या अपने घर वालों की हेल्प करना चाह रहे हैं तो आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर अपनी टेंशन को स्विच करें और फिर दोबारा से अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम करें। इस तरह से आपकी ध्यान भी बढ़ जाएगा और आपको जो अपना टॉपिक है वो बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं लगेगा। तो आज मैंने आपको बताया किस तरह से इन 10 स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके आप ज़्यादा देर के लिए अपने कंटेंट को याद रख सकते हैं, कैसे आप उसको जल्दी याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि आपने जो टॉपिक याद कर लिया है, अच्छे से मेमोराइज कर लिया है, अब आपने उसको प्रेजेंट किस तरह करना है, उसको प्रेजेंटेबल किस तरह बनाना है। ये सब जानने के लिए आप इस चैनल पे सब्सक्राइब रहें। गुड लक ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।